हम दोनों के बीच में तो झगड़ा हो गया, पर्सनली झगड़ा था। तो आप तो सभी को हम इस ब्लॉग में ये बताएंगे कि हम दुर्गा पूजा का ब्लॉग और मेले के ब्लॉग क्यों नहीं बना पाए, और भी बहुत रीज़न है तो आप सभी को इस ब्लॉग में बताएंगे। तो चलिए, फिलहाल हमारे यहाँ से देखिए बहुत ज़्यादा परेशान कर दिया, तो चलिए ब्लॉग पर बने रहिए। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और राशि का देखिए छोटा चेयर जो कि खरीद है राशि के लिए, और मतलब ना आप सभी जितने प्यारे प्यारे कॉमेंट किए हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, और इसीलिए ना हम बहुत ज़्यादा खुश हैं कि आप सभी हमें हौसला बढ़ाए, कार्य अच्छे से अपना ध्यान रखें। तो अभी फ़िलहाल भी ठीक है, और मेला भी नहीं जा सके थे तो इसीलिए मतलब वैसे हमारी अगल बगल की जो है बोलती चलिए चलिए, तो हमें तो जाने का मन नहीं, बट सोचे कि जाते हैं राशि को लेकर, क्योंकि राशि का फर्स्ट मेला है इसीलिए, तो हम और राशि और उनकी दीदी सब जाएंगे, तो हम जाएंगे वहाँ पर तो कुछ ही देर रहेंगे, मतलब थोड़ा घूम फिर लेंगे बस चलाएँगे। उनकी दीदी सब होगी वहाँ पर, डांस प्रोग्राम हो रखा है तो वो सभी देखेगी। हम और राशि चले आएंगे घर, और तो चलिए अभी रेडी होते हैं क्योंकि मन तो नहीं है जाने का, बट क्योंकि आप सभी को पता है इसीलिए मेरा एक जैसा मन भी नहीं लगता है, थोड़ा सा भी मन नहीं करता है कि जाने का, लेकिन फिर भी जाएंगे क्योंकि आप सभी से शेयर करना है। राशि का यादगार हमें बनाना था राशि के लिए कि उनकी लाइफ का फर्स्ट मेरा वो कैसे इंजॉय की, तो चलिए आप सभी को रेडी हो जाते, उसके बाद आप सभी से मिलते हैं। अरे तो कितना हंसी लग जाता बेटा, छोड़ो छोड़ो मम्मा, अरे मामा ही हंसी है। राशि अब गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, और फिलहाल हम भी थोड़ा बहुत अच्छे हैं, फिर भी उतना नहीं जितना होना चाहिए। तो अभी मेरा सारा काम हो गया, तो अभी खाना बनाने के लिए रखे थे, और आप सबको टाइम दिखाते हैं क्योंकि तबीयत खराब होने की वजह से हम टाइम पर जल्दी नहीं जा पाते हैं, इसीलिए लेट हो जाता है, और इसीलिए ब्लॉग भी नहीं बना पाते कि टाइम आप लोग को दिखाएँ कितना बजे है। तो अभी 7 बजने ही वाला है, बजा नहीं है, तो अभी हम जल्दी जल्दी खाना बना लेते हैं, खाना बनाते हैं, बीच बीच में आपको आप सभी से भी शेयर करेंगे, ठीक है? तो आपको बनेंगे और ऐसा प्यार दीजिए। कैसे भूतरी बन गई है तुम? रेडी कर दिए थे तुमको, ऐसे करो स्कर्ट और टीस। तुम क्या पहनी है? खाना बन रहा है, देखो इधर खाना बन रहा है, बताना सब्जी सब काटते रखो। तुम खेलेगी? झींगा हुआ है धरती, कैसे खेलेगी? राशि ओए ओए गुस्से वाली, ओए गुदू गुदू, ओ गुदू गुदू गुदू, क्या है तो कहते नहीं तो देखो ना। तो अभी खाना बनने वाला है, चावल सब्जी चावल है ना, नहीं तो उस पर दिखा है राशि, तो खाना बनाते उस टाइम मिलते थोड़ा देर के बाद, क्योंकि राशि से नहीं मिलाए थे इसीलिए है ना। राशि ऐसे फुल ड्रेस दिखा रहे राशि का, तो ये देखिए राशि को क्या पहनी है, कैसी लग रही है काजल बिल्ली। तो चलिए फिलहाल खाना बना के मिलते हैं। कैसे तो मतलब खाना बना कर ना हम ना मेरा सर पूरा चक्कर साथ हो रहा था, चक्कर पूरा आ रहा था, तो इसीलिए हम सो गए थे, तो और भी बज गए हैं, मतलब 1 बजे जगे, तो बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था, तो ब्लॉग भी शूट नहीं कर पाए थे इसी वजह से, मतलब बहुत ज़्यादा तबीयत थोड़ा अभी भी मतलब कमजोरी फील हो रहा है, वीकनेस आ रहा है, और वैसे सोए तो वैसे सामान सब तो इधर उधर पड़ा ही था, और फिलहाल सारा बर्तन जो है हम कल पर जमा कर दिया, उधर ये सारा सामान उसी तरफ बिखरा हुआ था, पूरा गंदा पड़ा हुआ है, जो कि झाड़ू लगाना बर्तन ये वो सभी करना पड़ेगा। तो अभी हम अपना आप से दिखाते हैं कि सारा रूम इसी तरह गंदा पड़ा हुआ है, और सर घर धो ना उधर देखिए कितना ज़्यादा गंदा है, और इधर देखिए बर्तन भी ज़्यादा पूरा गंदा पड़ा हुआ, क्योंकि हम ना मतलब इधर बर्तन निकाल के धरती तो फूलने के लिए मतलब धोने के लिए, और इधर भी है पूरा साफ़ सफाई करते हैं, उसके बाद आप सभी को मिलते हैं और राशि को सुलाते हैं इसीलिए, क्योंकि ज़्यादा काम है और वीकनेस भी अभी है, और इसीलिए वजह से मेला क्यों नहीं जा पाए आप लोग को बताएंगे ज़रूर। तो चलिए बने रहिए आप सभी हमारे ब्लॉग पर। बस मेरा ना सर का सारा काम हम कर दिए, तो मेरा ना सर बहुत ज़्यादा जस्ट चक्कर दे रहा था और अजीब सा फील हो रहा था, तो हमने बोले मतलब सारा काम करके फिर नहा लिए, थोड़ा सा हल्का गर्म पानी करके बोली थी दादी, बोली थी गर्म पानी से ही नहाने के
लीजिए वरना पता नहीं ऐसे डॉक्टर मना किया। राशि देखिए क्या कर रही है, खेल रही है, खेल रही है बेटा। इतना ज़्यादा है राशि के पास खिलौना है, दो गेम को और राशि को भी मतलब आपसे हम बता मतलब हम जाते हैं मेला घूमने के लिए ठीक है, बट ना हमारे और रोशन जी के बीच बस ऐसे ही कुछ बात से झगड़ा हो गया था, मतलब वो बेबी की वजह से झगड़ा हो गया था। वो बोले कि मीना जा रहे हैं, वो बहुत ही ज़्यादा बोले मतलब एक तरह से मन भी नहीं था, ऊपर से जब जाने के लिए सोचे तो रोशन जी ही उसमें बोल हम दोनों के बीच मतलब झगड़ा हो गया, पर्सनली झगड़ा था। सो आपसे इससे सॉरी हम शेयर नहीं कर सकते हैं, बट थोड़ा सा बता सकते हैं वो बेबी के कारण ही झगड़ा था और आप लोग समझ सकते हैं कि किस बात के लिए हो सकता है। पहले पता नहीं कुछ और करते हैं और अचानक से कुछ और, तो इसी वजह से ना मतलब वो मतलब बहुत ज़्यादा उनको डांटे और बहुत ज़्यादा बोले, तो इसी वजह से मेरा सर और ज़्यादा मतलब हमें टेंशन होने लगता है कि आखिर क्यों ऐसे करते हैं, हमको कुछ समझ में आता। उनका मतलब इतने दिनों से हम उनके साथ हैं, मतलब वो एक पल में प्यार से बात करेंगे और एक पल से पता नहीं गुस्से से पता नहीं से क्यों करते हैं। और मेरा ना तबीयत भी अभी मतलब बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक नहीं हुआ है और दवाई भी ख़त्म हो गया, और दवाई भी हम बोले लाने के लिए घर में तो वो अभी तो नहीं सुन रहे हैं, मम्मी सभी को बोले दवाई ला देने के लिए बट अभी तो कोई से नहीं दे रहे हैं, पता नहीं फिर अगर ज़्यादा हो जाएगा उसके बाद फिर उल्टा पुल्टा दवाई देंगे तो ठीक रहेगा, क्या कहें हम मतलब हम मेरा ना लाइफ एकदम बोरिंग हो गया है, मतलब अपने बच्चे और हम बस एक रूम में अपना इसी तरह बंद जैसे अभी है, मतलब खाना वाना जो भी काम रहता है हम कर देते हैं सिंपल सा, और किसी से उतना पता नहीं हमको किसी से बात करने का मन नहीं होता ना ही ब्लॉगिंग करने का, तो इसीलिए ना मतलब आज फिर सोचे कि किसी तरह ब्लॉगिंग करते हैं और फिर इसी तरह ना मतलब हमने कोशिश की है तो ब्लॉगिंग कर रहे हैं अभी, और मतलब आप सभी को मतलब अच्छे तरीके से हम ब्लॉगिंग करना चाहते हैं बट नहीं हो पा रहा अभी इस टाइम से, मतलब कुछ दिन से हम बहुत अच्छा से ब्लॉगिंग करना चाहते बट हो ही नहीं रहा है। देखिए राशि को और मतलब पता नहीं कुछ अलग सा ही फील हो रहा है, मतलब ऐसे मेरा दिमाग मतलब मेरा मन ना ऐसा कर रहा है कि किसी एक जगह जाके आराम से बैठे, इसीलिए देखिए रूम में हम ही हैं और राशि है, इसलिए हम अकेले ही रहना चाहते हैं, हम किसी और के साथ अभी नहीं रह सकते हैं, इसलिए हम खाना वाना बना के मतलब सो गए थे दोपहर में भी, दोपहर में जगे 1 बजे तो फिर मतलब एक टाइम का दवा था वो भी खाए फिर सो, फिर सारा काम किए हुए उसके बाद तो सोचे कि अब आप सभी से कुछ बातें शेयर करते क्योंकि हमको घर वाले से बात करने का एक जैसा मन नहीं कर रहा है, किसी से भी नहीं, पता नहीं क्यों ऐसे हो रहा है हमको नहीं पता, बट हमको घर वाले से एक जैसा भी किसी से बात नहीं करना है। और राशि दीदी क्या कर रही है, राशि राशि क्या करिए बेटा, ये देखिए क्या कर रही है, पेन लेके क्या कर रही है, दो 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 पेन दो, पेन दो तो मम्मा को दे दो, दे दो मम्मा को, मम्मा दे दो बेटा, मिल जाओ तो गिर जाएगी राशि, वो ना मतलब उस पर सारा सामान बिखार देती है बट हमको तो पता नहीं अभी हमको मतलब इतना सारा जैसे होता है घर का काम तो कर देते क्योंकि डॉक्टर डेली पड़ जाता है, पता नहीं उनको भी समझ में आना चाहिए कि इसके साथ क्या हुआ है तो उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है अभी, बट हमारे घर वाले भी तो कुछ समझना ही नहीं चाहते हैं, तो जैसे हो रहा है हम उतना कर पा रहे हैं, और हमारी राशि में उतना ही ज़्यादा परेशान करती थी कि ये गिरने आ जाए तो राजा बेटा गिर जाइए, हम आपको कॉपी देते हैं लो तुम मतलब ये देखिए लो इसमें लिखो कर लो लिखो इसमें, और ये ना कॉपी को फाड़ के रखी तो देखिए क्या करिए, लिखो लिखो बेटा राशि, देखिए कैसे ये ना इसी तरह से करेगी, इसको कॉपी और पेन दे देंगे तो इसी तरह से मतलब लिखने का कोशिश करती, देखिए लिखो तो लिखो लिखो पापा पापा पी ए पी ए पापा लव यू लिखो, तो राशि ना मतलब इसे को पता नहीं इसके भविष्य के बारे में अच्छे से सोचना पड़ेगा, और हम सोचते हैं कि मेरा टेंशन ख़त्म हो जाए मतलब उतना हम डिप्रेशन में नहीं रहना चाहते हैं,
और इतना ज़्यादा हमें परेशानी पता नहीं क्यों हो रहा है। मतलब हमको मतलब शांत चाहिए, एकदम शांत, मतलब जहाँ पर हमको किसी का भी आवाज़ सुनाई नहीं पड़े, सिर्फ और हम और हमारे बच्चे रहें और कुछ नहीं। पता नहीं ऐसे क्यों लगता है हमें, और हम क्या कहें, इतना ज़्यादा हम रात से सोचे मेरा जाएंगे तो सुबह तक हो गया, क्योंकि लास्ट ही चांस है रात में जाने का। सोचे आप सभी को भी शेयर कर देंगे तो हर कोई आज दुर्गा पूजा का ब्लाउज सूट करता है। हम तो जाने का मन नहीं था, फिर भी हम सोचे कि आप सभी से शेयर करना था। हमारी राशि का फर्स्ट दुर्गा पूजा है इसलिए जाना था। तो हमारा राशि दिन के दादी के साथ भेजा दिए थे, वो लेके गई थी और हम नहीं गए थे। तो हम मोबाइल हम घर में ही रखे थे, मतलब राशि को लेके। तो हम सोचे राशि का ब्लॉग ये ना इनके यादगार के लिए रखे, राशि के यादगार के लिए, तो हमने नहीं रखे थे। बट मोबाइल हम किसी को दे नहीं सकते थे क्योंकि एक मोबाइल मेरा आप लोग को पता है कि रोशन जी ले गए तो रोशन जी के पास भी ख़राब हो गया था। अब ये फ़ोन है जो कि हम अपनी लाइफ को अच्छे से कर सकते, सिर्फ ये फ़ोन जिससे हम ब्लॉगिंग करते हैं। और आप सभी में ढेर सा याद दीजिए ताकि हम आप सभी के लिए अच्छे से अच्छे ब्लॉग कर सकें। और फिलहाल पता नहीं, आप लोग दुआ कीजिए कि मेरा जल्दी से जल्दी तबीयत और ज़्यादा सेहत हो, क्योंकि जितना दवा में असर नहीं होता उतना दुआ में असर होता है, ऐसे हम सुने हैं मम्मी सब के जीवन इसीलिए बोलते हैं। और जो भी मेरा टेंशन है वो ख़त्म हो जाए बस, और कुछ नहीं कुछ। तो चलिए फिलहाल आई होप कि आप सबको ये ब्लॉग पसंद आए। तो चलिए फिलहाल मिलते हैं अब नेक्स्ट वाले ब्लॉग के लिए। लव यू ऑल गाइस, बाय बाय।